इस हफ्ते बॉलीवुड और साउथ की मूवी को लेके काफी सारे अपडेट हैं, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी को हाय बाय कह के। फर्स्ट अपडेट आ रहा है जवान मूवी को लेके। 2 जून को रिलीज होने वाला था, मगर मेकर्स की तरफ से इस मूवी की ट्रेलर या टीजर को लेके कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था, मगर इस मूवी को अब ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस मूवी को मेकर्स जून 2 में नहीं अगस्त 25 या सितंबर 1 हाफ में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। मेकर्स का कहना है इस मूवी की VFX की बहुत सी काम अब भी बाकी है, इसलिए इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं। सेकेंड अपडेट है साउथ की तरफ से। हनुमान मूवी जो पान इंडिया स्केल पे 12 मई को रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज डेट भी अब कैंसिल हो चुकी है। और कौन सी डेट पे इसे रिलीज किया जाएगा अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। और नेक्स्ट अपडेट है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया है, और इस मूवी को 2024 में ईद को रिलीज कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगुआ के बारे में, जिसकी डिजिटल राइट्स अमेज़न ने 80 करोड़ में खरीद लिया है। और अगला अपडेट है ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवी क्रिश 4 की। इस मूवी के बारे में राकेश रोशन सर ने कहा है कि इस मूवी की शूटिंग वार 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी, और इसे 2024 के सेकंड क्वार्टर में रिलीज करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे करण मल्होत्रा, जिन्होंने ऋतिक की अग्निपथ मूवी को भी डायरेक्ट किए थे, और इसके प्रोड्यूसर होने वाले हैं सिद्धांत आनंद। राकेश रोशन सर ने ये भी कहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे 2020 से कम चालू है, और उन्होंने कहा है कि फिल्म एक्सीलेंट होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट पे अब तक कोई भी फिल्म नहीं बनी है। और अगला अपडेट आ रहा है आदि पुरुष मूवी को लेके। इस फिल्म की प्रमोशन जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार की कोशिश की शूटिंग खत्म होने के बाद इसकी ट्रेलर हमें 9 मई को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कौन सी मूवी के लिए इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।